A very good morning to all the participants of this course, which is targeted for those participants who are going to take the ITO's departmental exam. It's a lovely morning today, and we are at Section 13 of the Income Tax Act. So now, what does Section 13 say? Section 13 lays down certain conditions that if there are certain conditions, then Section 11 and 12 will not apply. So what are those conditions? Number one, any part of the income from the property which is held under a trust for private religious purpose. यदि कोई निजी धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है तो ऐसे सिचुएशन में जो भी प्रॉपर्टी है उसकी उससे जो भी इनकम जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं जा रही है यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस के लिए हेल्ड है और पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं है तो ऐसी प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो 11 और 12 के प्रावधान उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे यानी टोटल इनकम में से उस इनकम को हटाया नहीं जाएगा उसके बाद अगर कोई ट्रस्ट है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है या इंस्टीट्यूशन है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद और यदि वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया है फॉर या क्रिएट किया गया था नमस्कार तो कम हो रहा था ना कम्युनिटी के लिए हां तो ये कंप्लेंट फटाक से कर दे जो नंबर बता दे जा अच्छा हेल्प डेस्क पे ठीक अगर वो ट्रस्ट किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एस्टैब्लिश किया गया है या किसी एक कास्ट के लिए एस्टैब्लिश किया गया है तो उस केस में भी ऐसे ट्रस्ट की जो इनकम होगी वो उस पर सेक्शन 11 या 12 लागू नहीं होगी ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर ऑडियोज ऑफ बिकॉज आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी पुट ऑडियोज ऑफ तो एक रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए जो है इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट उस पर भी 11 या 12 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जो निजी रिलीजियस पर्पस के लिए है उसकी प्रॉपर्टी पर भी लागू नहीं होते हैं और अगर या फिर उसके अलावा कोई ऐसा ट्रस्ट है जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए है लेकिन उसकी इनकम जो है वो ऐसे व्यक्तियों को दी जा रही है जो कि सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है तो भी ये प्रावधान लागू नहीं होते तो सबसेक्शन 3 में कौन से लोग मेंशन्ड हैं जो उस ट्रस्ट के मैनेजर हैं जो ओनर हैं और इस प्रकार के लोग जिन पर अभी हम आएंगे प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड और एस्टैब्लिश बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर एक्ट कमेंस नहीं हुआ था उसके पहले अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन बना है तो सब क्लॉज 2 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे टू एनी यूज और एप्लीकेशन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एनी पार्ट ऑफ सच इनकम और एनी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 इफ सच यूज और एप्लीकेशन इज बाय वे ऑफ कंप्लायंस विद द मैंडेटरी टर्म अगर सबसेक्शन 3 में
मेंशन व्यक्ति को किसी ट्रस्ट के टर्म्स में ये कंप्लायंस की वजह से अगर कोई राशि दी जा रही है, क्योंकि कंप्लायंस करना है इसकी वजह से दी जा रही है। ऐसे केस में दी जा रही है जो कि जब ट्रस्ट एक्ट के आने से पहले कमेंस हुआ था, यानी एक्ट के कमेंसमेंट से पहले वो बना था, तो ऐसी कंडीशन में वो जो जो भी राशि उस व्यक्ति को दी जाती है वो 11 या 12 उस पर लागू हो जाएंगे और वो टोटल इनकम में से हट जाएगी। क्योंकि तो एक्ट के लागू होने से पहले कई ऐसे ट्रस्ट थे जिसमें कि एक मैंडेटरी टर्म था, वो अप्रूव कर दिए गए थे, तो इसलिए उनको अप्रूव मेंटेन करते हुए ये प्रावधान रखा गया था। प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर कोई ट्रस्ट है रिलीजियस पर्पस का या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट है या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिसका कि क्रिएशन या एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुआ है, तो प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनी यूजर एप्लीकेशन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी पार्ट ऑफ सच इनकम और एनी प्रॉपर्टी of the trust for the benefit of any person referred to in subclause 3, subsection 3, insofar as such user application relates to any period before the first day of 1970. और वो भी अगर 1970 के पहले का इस्तेमाल है, 1 जून 1970 के बाद, तो अगर भले ही कम ट्रस्ट इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले बना हो, तो मैंडेटरी टर्म के कंप्लायंस में अगर कोई पैसा सबसेक्शन 3 वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो वो टोटल इनकम में शामिल हो जाता था, लेकिन 1 जून 1970 के बाद अब नहीं होगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर एक ऐसा ट्रस्ट है जिसकी जो इनकम है या जो फंड्स हैं उसके, वो या तो इन्वेस्टेड है किसी और सिक्योरिटी पे जो 11(5) में मेंशन्ड है, उसके अलावा 28 फरवरी 1983 के बाद 28 फरवरी 1983 से पहले ये तो बात नहीं है, 28 फरवरी 1983 में ये प्रावधान आया था कि जो इन्वेस्टमेंट है ये 11(5) के मोड्स और फॉर्म्स में होना चाहिए। किस चीज का इन्वेस्टमेंट? जो राशि अक्यूमुलेट एसेट अपार्ट की जाती है, तो 28 फरवरी के बाद अगर किसी भी रूप में ये किसी और रूप में अगर वो इन्वेस्ट होता है 11(5) के अलावा, तो भी उस पर 11(12) जो है वो लागू नहीं होते। लेकिन कोई भी फंड्स अगर 83 से पहले, 1 मार्च 83 से पहले एनी फंड्स डिपॉजिटेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1983 ऐसे मोड में जो कि 11(5) में लिखे हुए, उनके अलावा अगर कहीं और इन्वेस्ट हुए हैं और 30 नवंबर तक वो इन्वेस्ट अगर रहे हैं, तो 30 नवंबर तक जो है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, और 30 नवंबर के बाद, क्योंकि 28 फरवरी या उससे पहले वो इन्वेस्ट हो गए थे, तो एक समय दे दिया गया है नवंबर, 30 नवंबर 1983 तक का, इसको 11(5) के मोड में ले आया जाए। अगर वो 11(5) के मोड में नहीं आते हैं 30 नवंबर 83 तक भी, तो फिर 11 और 12 जो है अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद कोई भी शेयर्स अगर किसी कंपनी में है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, या कोई शेयर्स ऐसे हैं जो कि which are prescribed as a form of or mode of investment under 11(5)(12)
उसमें भी नहीं है। और ऐसे शेयर जो कि 30 नवंबर 1983 के बाद भी होल्ड कर रहा है वो ट्रस्ट, तो ऐसे उससे भी जो इनकम जनरेट होती है वो भी 11 और 12 में नहीं आएगी, बशर्ते कि कोई भी एसेट्स जो कि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है इस क्लॉज के प्रावधान उन एसेट्स पे नहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पे वो एसेट जो है कॉर्पस का पार्ट है उस ट्रस्ट के। फर्स्ट डे ऑफ जून 1973 में या उसमें जो उसके कॉर्पस में कोई भी एक्रीशन अगर हुआ है, बढ़त हुई, अगर उसका पार्ट है तो भी इस क्लॉज के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। और या फिर कोई ऐसे एसेट्स हैं जो कि डिवेंचर्स हैं जिसको तो इशू किया गया है किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के द्वारा और उनका एक्विजिशन ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ने 1 मार्च 1983 से पहले अगर कर दिया था तो उन पर भी इस क्लॉज के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे। तो और उसके बाद एनी एसेट्स नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट इन फॉर्म 11(5), ऐसे एसेट जो कि 11(5) के रूप में नहीं है, जहां पर सच एसेट्स इज नॉट हेल्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अदरवाइज देन इन एनी ऑफ द फॉर्म्स आर मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज एक्वायर्ड और the 31st day of March 1993। तो 31 मार्च 1993 के बाद कोई भी एसेट जो कि 11(5) के मोड में या फॉर्म में नहीं था और जहां पर वो एसेट जो था वो 11(5) के अलावा जो मोड्स एंड फॉर्म्स हैं उसमें नहीं था, मतलब उसमें था, तो 31 मार्च 1993 के बाद उसको उस रूप में आना पड़ेगा। Any asset not being an investment or deposit in any of the forms or modes specified in 11(5), where such asset is not held by the trust, otherwise than in any of the forms or modes mentioned in 11(5), after the expiry of 1 year from the end of the previous year, if such asset is acquired, or the 31st day of March, जब भी वो acquire किया गया हो, उसके एक साल के बाद अगर वो नहीं रहा उस form में, पहले भले ही रहा हो तो उसका फॉर्म अगर चेंज हो जाता है तो 31st day of March 1993 के बाद ऐसा भी नहीं किया जा सकता। एनी फंड्स रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस बीइंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, अगर कोई प्रॉफिट्स एंड गेन्स है बिजनेस के वो भी इस प्रोविजो के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यानी कि वो भी इस क्लॉज में अप्लाई नहीं होंगे। और जब हम कहते हैं कि इस क्लॉज में अप्लाई नहीं होंगे तो हम क्लॉज डी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज सी इन डिटरमिनिंग वेदर एनी पार्ट ऑफ द इनकम is during the previous year used or applied for the benefit of any person referred to in subsection 3, जहाँ ये पता लगाना है कि कोई भी इनकम सबसेक्शन 3 के पर्सन के बेनिफिट में यूज हुई है कि नहीं हुई है। इन सो फार एज सच यूज और एप्लीकेशन रिलेट्स टू एनी पीरियड बिफोर द 1st of July 1972, अगर पहली जुलाई 1972 से पहले की बात पता लगानी तो एक सेक्शन 7 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तो ये अभी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है बात।
Now we come to subsection 2 of section 13. A subsection 2 of section 13 says that without prejudice to the generality of the provisions of clause C and D of subsection 1. Clause C or D, so subsection 1 came. उसके प्रोविजन की जनरलिटी को खत्म ना करते हुए या सेक्शन डी में जो क्लॉज डी था उसमें कुछ पीरियड्स डिफाइंड थे और क्लॉज सी में भी ये कहा गया था कि किसी सबसेक्शन थ्री वाले व्यक्ति को अगर कोई पेमेंट जा रहा है उसकी बात की गई थी, तो यहाँ एक आ जा रहा विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी। वो प्रोविजन एक जनरल प्रोविजन है जो इनकम है प्रॉपर्टी से जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को मिल रही है, और एनी पार्ट ऑफ सच इनकम और प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड और अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ये है डीम्ड क्लॉज है कि किस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम जो थी सबसेक्शन थ्री के वाले पर्सन के बेनिफिट में अप्लाई की गई, तो ये कब माना जाएगा, जब ए में कहा गया कि एनी पार्ट ऑफ द इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज और कंटिन्यूज टू बी लेंट टू एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 3। अगर उस इनकम का कोई भी पार्ट लेंड किया जाता है यानी कि लोन के रूप में दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो कि सेक्शन 3 में मेंशनड है, और वो उस तरह से लोन पे रहता है फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट आइदर एडिक्वेट सिक्योरिटी और एडिक्वेट इंटरेस्ट और बोथ, या तो पर्याप्त उस पर ब्याज नहीं दिया जाता या पर्याप्त सिक्योरिटी उस पर नहीं जमा कराई जाती, तो ये मान लिया जाएगा कि जो इनकम है वो उस पर सबसेक्शन 3 के बेनिफिट पर्सन के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दी गई है। उसके बाद अगर कोई लैंड या बिल्डिंग है, दूसरी कोई प्रॉपर्टी है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की एंड कंटिन्यूज टू बी मेड अवेलेबल और उसको उपलब्ध करा दिया गया है और वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है फॉर द यूज ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के इस्तेमाल के लिए अप्लाई कराई जा रही है जो कि सबसेक्शन 3 में मैंशन है, फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये जो उपलब्ध कराई जा रही है ये प्रीवियस ईयर में किसी भी पीरियड के लिए अप्लाई कराई जा रही है एंड विदाउट चार्जिंग एडिक्वेट रेंट और अदर कॉम्पनसेशन, और उस पर पर्याप्त रेंट या पर्याप्त दूसरा उसकी भरपाई नहीं कराई जा रही, तो उस केस में ये भी उस केस में भी मान लिया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से जो प्राप्त इनकम है वो सब सेक्शन 3 वाले पर्सन को अप्लाई की जाएगी। इफ एनी अमाउंट इज पेड बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंस और अदरवाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन रेफर टू सेक्शन 3। अगर कोई सैलरी या अलाउंस या कोई भी और राशि प्रीवियस ईयर के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो सब सेक्शन 3 में मैंशन है, और ये राशि उन रिसोर्सेज में से दी जाती है आउट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, और ये राशि उन सर्विसेज को रेंडर करने के लिए दी जाती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय दैट पर्सन टू सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो सर्विसेज ऐसे ट्रस्ट या ऐसे इंस्टीट्यूशन को दी गई है उस सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड व्यक्ति के द्वारा, and the amount so paid is in excess of what may reasonably be paid for such services, और जो amount उसमें mentioned है वो एक reasonable amount mentioned है, जो amount pay किया जा रहा है जो reasonably pay किया जाना चाहिए उतना amount नहीं pay किया जा रहा, तो उस केस में वो राशि भी माना जाएगा कि उस subsection 3 वाले व्यक्ति के लिए apply कर दी गई है। So we are just okay, so
we are seeing that in what conditions it would be deemed that the income or property of the trust or institution has been applied or used for the benefit of a person who is referred to in subsection 3. What are those conditions? And those are mentioned in subsection 2 of section 13. And we are at a condition where it is mentioned that अगर कोई राशि सैलरी या अलाउंस के रूप में या दूसरी तरह से किसी भी प्रीवियस ईयर के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसका रेफरेंस अब सेक्शन 3 में है और वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज में से दी जाती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय दैट पर्सन टू सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और जो अमाउंट उसके लिए पे किया जाता है वो एक रीजनेबली पेड फॉर सच सर्विसेज जितना रीजनेबल पेमेंट होना चाहिए उन सर्विसेज के लिए उससे ज़्यादा एंड द अमाउंट सो पेड इज इन एक्सेस ज़्यादा पेमेंट कर दिया गया उनको तो तब भी ये माना जाएगा कि इनकम जो है वो सबसेक्शन 3 के व्यक्ति के पर्पज से अप्लाई की गई के बेनिफिट के लिए अप्लाई की गई है डी है इफ द सर्विसेज ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विदाउट एडिक्वेट रिम्यूनरेशन और अदर कॉम्पनसेशन अगर ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की जो सर्विसेज हैं वो किसी ऐसे पर्सन को उपलब्ध करा दी जाती हैं जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 3 में है और ये प्रीवियस ईयर के दौरान उपलब्ध कराई जाती हैं और बिना पर्याप्त रिम्यूनरेशन के कराई जाती हैं यानी उस पर एडिक्वेट रिम्यूनरेशन उसके मुआवजा उसका नहीं दिया जा रहा या दूसरी भरपाई उसकी नहीं की जा रही है तो भी वो डीम टू बी अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ सबसेक्शन 3% माना जाएगा उसके बाद इफ एनी शेयर सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टीज परचेज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 अगर किसी ऐसे पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो कि सबसेक्शन 3 में रेफर्ड है और ऐसे पर्सन के केस में अगर कोई शेयर सिक्योरिटी या दूसरी प्रॉपर्टी परचेज की जाती है उस ट्रस्ट के बिहाफ पे या उस इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे किसी भी पर्सन से जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 3 में है और ये प्रीवियस ईयर में परचेज की जाती है और उसका एडिक्वेट कंसिडरेशन उसको से ज़्यादा उसको पैसा दे दिया जाता है यानी शेयर सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जितने पैसे की है उससे ज़्यादा उसको दे दिया जाता है इफ एनी शेयर सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर कोई शेयर सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी ट्रस्ट बेचता है या ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे बेची जाती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो सबसेक्शन 3 में मेंशनड है और कंसिडरेशन कम दिया जाता है कम लिया जाता है उससे तो भी यह माना जाएगा कि जो ट्रस्ट की इनकम है सबसेक्शन 3 वाले व्यक्ति के लिए लगा दी गई है इफ एनी इनकम और प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज डाइवर्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अगर सबसेक्शन 3 में मेंशन पर्सन के फेवर में कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी या इनकम को उसके फेवर में डाइवर्ट कर दिया जाता है तो भी ये माना जाएगा प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई वेयर द इनकम और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और एज द केस मे बी द एग्रीगेट ऑफ द इनकम एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सो डाइवर्टेड डज नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज बशर्त ये कि ये जो क्लॉज है तभी लगेगा जब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या जो एग्रीगेट जो इनकम है जो डाइवर्ट की गई थी या जो वैल्यू डाइवर्ट की गई थी वो 1,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो 1,000 रुपये से ज़्यादा है तभी ये क्लॉज अप्लाई करेगा ये क्लॉज अप्लाई करेगा मतलब ये जो जी क्लॉज है ये तभी अप्लाई करेगा
उसके बाद एच में कहा गया है कि इफ एनी फंड्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आर और कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 71 इन एनी कंसर्न इन विच एनी पर्सन रेफर टू सबसेक्शन 3 एज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सबसेक्शन 3 वाले पर्सन का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी कंसर्न में है और ऐसे कंसर्न में ट्रस्ट या इस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के फंड्स इन्वेस्टेड हैं 1 जनवरी 1971 के बाद 1971 के बाद, तो भी ये माना जाएगा कि वो जो इनकम है वो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए लगा दी गई है और उस केस में सेक्शन 11 और 12 लागू नहीं होंगे. उसके बाद है द पर्संस रेफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आर द फॉलोइंग नेमली. जिन पर्संस का रेफरेंस क्लॉज सी में सबसेक्शन 1 के या सबसेक्शन 2 में दिया गया है वो निम्नलिखित पर्सन है. तो 3A में कहा गया है कि वो उस ट्रस्ट या के ऑथर हैं या वो उस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं. बी में क्या कहा गया है, एनी पर्सन हु हैज मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने काफी अच्छी मात्रा में योगदान दिया है, भारी योगदान दिया है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को, दैट इज टू से एनी पर्सन हुज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. यानी कि अगर कहा जाए कि उसका कुल योगदान प्रीवियस ईयर के अंत तक अप टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो 50,000 से ज़्यादा का है, यानी शुरू से अभी तक का उसका योगदान अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का है. और 3C में कहा गया कि वेयर सच ऑथर फाउंडर और पर्सन, जहाँ पर वो जो ट्रस्ट का ऑथर है यानी ट्रस्ट बनाने वाला और या ट्रस्ट को का जो फाउंडर है, ऑथर फाउंडर को भी कहा जा सकता है, जो उसकी नींव रखने वाले हैं, जो उसको लिखने वाले हैं, उसको एग्जिस्टेंस में जो लाने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसका भी सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो व्यक्ति अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर भी इस सबसेक्शन के तहत आ जाएंगे. उसके बाद इसमें आ रहा है कोई भी ट्रस्टी है उस ट्रस्ट का या मैनेजर है, ट्रस्टी ट्रस्ट का ट्रस्टी या कोई मैनेजर है उस इंस्टीट्यूशन का, और CC के बाद D है, एनी रिलेटिव ऑफ एनी सच ऑथर फाउंडर पर्सन, कोई रिलेटिव रिश्तेदार किसी भी ऑथर फाउंडर पर्सन पर्सन यानी जिसका सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, या मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी ट्रस्टी या मैनेजर जैसे कि ऊपर कहे गए हैं एज अ पर्सन. और ई में कहा गया कि एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज A, B, C, CC, and D हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. कोई भी ऐसी कंसर्न जिसमें कोई भी ऐसे लोग जिनका रेफरेंस ऊपर किया गया है उस कंसर्न में जिनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंसर्न भी इसके अंतर्गत आ जाती है. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन डेफिनेशन के सेक्शन से निकल के आती है. नाउ वी गो टू 13(4). 13(4) कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 बट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन क्लॉज बी. क्लॉज सी के प्रोविजंस को नजरअंदाज करके और क्लॉज डी के प्रोविजंस को प्रेजुडिस ना करते हुए. इन अ केस वेयर द एग्रीगेट ऑफ द फंड्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड इन अ कंसर्न इन व्हिच एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 एज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जहां पर भी कुल मिला के जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के फंड्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंसर्न में किया गया है, दे आर इन्वेस्टेड इन ए कंसर्न इन विच एनी पर्सन हु इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 हैज अ सब्सटेंशियल, जिस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का जिसका रेफरेंस सबसेक्शन 3 में किया गया है. तो
एंड ही डज नॉट एग्रीगेट जो फंड्स हैं वो 5% से ज्यादा नहीं है उस कंसर्न की कैपिटल, डज नॉट एक्सीड 5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी किया गया है उस कंसर्न में, जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है सेक्शन 3 वाले व्यक्ति का, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 5% से ज्यादा नहीं होता है कैपिटल का, तो जो एग्जम्पशन है सेक्शन 11 या 12 के तहत वो मना नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी डिनाइड इन रिलेशन टू एनी इनकम अदर देन द इनकम अराइजिंग टू द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। तो 11 उस केस में 11 और 12 का बेनिफिट डिनाय नहीं किया जाएगा इन रिलेशन टू एनी इनकम अदर देन द इनकम अराइजिंग टू द ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट। ऐसे इनकम के लिए बेनिफिट डिनाय नहीं किया जाएगा जो कोई और इनकम है, ऐसे इन्वेस्टमेंट से प्राप्त इनकम नहीं जो कि उस कंसर्न में किया जा रहा है, बल्कि उसके अलावा कोई अगर इनकम अराइज हो रही है उसके लिए उसका बेनिफिट डिनाय नहीं किया जाएगा। बाय दैट रीजन ओनली दैट, केवल इस कारण से कि जो फंड्स हैं उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के वो ऐसी कंसर्न में इन्वेस्ट किए गए थे जिसमें ऐसे व्यक्ति का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था। हाँ, लेकिन अगर 5% से ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है तो जितनी भी इनकम और भी डिराइव हो रही है उस इन्वेस्टमेंट से नहीं उसके अलावा भी, तो भी उस पर भी 11 और 12 सेक्शन लागू नहीं होंगे। नाउ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, 13(1)(d) में कुछ भी लिखा हो, वेयर एनी एसेट्स जो कि डिबेंचर्स हैं इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी और कॉरपोरेशन, उनको किसी कंपनी या कॉरपोरेशन ने इशू किया है या उनके बिहाफ पे इशू हुए हैं, और ऐसे डिबेंचर्स आर एक्वायर्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन आफ्टर 83 एंड बिफोर 91, उन तारीखों से के बीच में, तो द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी डिनाइड इन रिलेशन टू any income other than the income arising to the trust or the institution from such assets by reason only that the funds of the trust or the institution have been invested in such assets. If such funds do not continue to remain so invested in such assets after 31st March 1992, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो debentures में investment trust institution के द्वारा किया गया 83 और 51 के बीच, और ऐसे डिबेंचर्स में जो कि किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन के द्वारा इशू है और ये 11(5) के तहत नहीं आते हैं डेफिनेटली, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी और इनकम पर सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट डिनाय नहीं किया जाएगा, केवल इस कारण से कि जो फंड्स थे वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट हो गए थे यानी डिबेंचर्स में इन्वेस्ट हो गए थे, बशर्ते कि वो जो फंड्स हैं वो इस इन्वेस्टमेंट से 31 मार्च 1992 से पहले निकाल लिए जाए, यानी 31 मार्च 1992 के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 11(5) के तहत नहीं है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा 11 और 12 के बेनिफिट के लिए। और लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी राहत उनको दिया गया जो 83 से 91 के बीच में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसको फिर अगर 92 तक खत्म कर दिया जाए तो केवल उतने इन्वेस्टमेंट पे 11 और 12 का बेनिफिट डिनाय होगा, पूरे के पूरे इनकम पे उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन की बेनिफिट डिनाय नहीं होगा। नाउ नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और 2 बट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 और सेक्शन 12, इन द केस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 13(1) या 13(2) में कुछ भी लिखा हो,
लेकिन 12(2) के प्रोविजंस के उसको प्रेजुडिस ना करते हुए, अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो उसको 11 और 12 का एग्जेम्पशन नहीं डिनाई किया जाएगा किसी इनकम, किसी और इनकम के लिए, यानी इनकम अदर देन द इनकम रेफर टू इन 12(2). तो 12(2) की इनकम है उसके अलावा बेनिफिट नहीं डिनाई किया जाएगा। 12(2) मतलब जो सेक्शन 3 में व्यक्ति कोटेड है उसके लिए जो किया जाएगा। बाय रीजन ओनली दैट सच ट्रस्ट हैज बीन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू पर्संस, केवल इस कारण से कि वो जो ट्रस्ट था वो ऐसी एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटीज उन व्यक्तियों के लिए दे रहा था जो कि सब सेक्शन 3 में मेंशन है। तो हाँ, उस पर्टिकुलर इनकम पर तो जो फैसिलिटीज दी गई थी उनको एक्स्ट्रा, उन पर तो डिनाई होगा, लेकिन बाकी किसी इनकम, पूरी उस ट्रस्ट की इनकम पर नहीं डिनाई हो जाएगा। कि अगर कोई ओनर है किसी ऐसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का, उसने जाके अपना इलाज अपने ही हॉस्पिटल में, अपने ट्रस्ट के हॉस्पिटल में सस्ते में करा लिया या उसका पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रस्ट की पूरी इनकम जो है उस पर 11 और 12 लागू नहीं है। लागू होंगे लेकिन केवल उसके लिए जितना खर्चा एक्स्ट्रा किया गया ट्रस्ट के द्वारा, या कम पैसा लिया गया उससे, या पूरा रिम्यूनरेशन नहीं लिया गया, तो जितना नहीं लिया गया उस उतने ही पार्ट पे जो है 11 या 12 का बेनिफिट डिनाई होगा। नाउ नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 11 और 12 शैल ऑपरेट सो एज टू एक्सक्लूड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन इन रिसीव थेरऑफ एनी एनोनिमस डोनेशन। 11 और 12 में कुछ भी लिखा हो, वो किसी भी टोटल इनकम से एक्सक्लूड नहीं करेगा किसी एनोनिमस डोनेशन को, जिसका कि रेफरेंस 115 बीबीसी में किया गया। क्योंकि 115 बीबीसी में एनोनिमस डोनेशंस को टैक्स करने की बात कही गई है। जिन डोनेशंस पर टैक्स पेबल है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन, तो अगर 115 बीबीसी में ये डोनेशन, एनोनिमस डोनेशन पे टैक्स पेबल, एनोनिमस डोनेशन पर टैक्स पेबल नहीं है, सॉरी टैक्स पेबल है 115 बीबीसी, तो 11 या 12 का बेनिफिट लेते हुए उस टैक्स को निल नहीं किया जा सकता है, वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 11 और 12 शैल ऑपरेट सो एज टू एक्सक्लूड एनी इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द पर्सन इन रिसीव थेरऑफ इन द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो टू क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2 बिकम एप्लीकेबल। तो जहां पर सेक्शन 2 का जो क्लॉज 15 है, जहां पर चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया, तो जहां चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया वहां पर फर्स्ट प्रोविजो में एक एक्सेप्शन किया गया। कौन सी कैसी सिचुएशन में वो चैरिटेबल पर्पस नहीं रहेगा, तो जहां पर ऐसा डिफाइन कर दिया गया, तो अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी है या इनकम कोई ऐसी है जो कि उस फर्स्ट प्रोविजो में कवर हो रही है, तो उस पर 11 या 12 का बेनिफिट उसको नहीं दिया जा सकता। उसके बाद सबसेक्शन 9 ये कहता है कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 शैल ऑपरेट सो एज टू एक्सक्लूड एनी इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर पर्सन इन रिसीव थेरऑफ। और ये जो एक्सक्लूजन है सेक्शन 11 का टोटल इनकम में से, वो तभी लागू होगा जब एक स्टेटमेंट विच इज रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ द सेट सबसेक्शन, यानी 2A में जो स्टेटमेंट मेंशनड है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम, वो अगर फर्निश नहीं किया जाता है ड्यू डेट से पहले जो कि 139(1) में प्रेस्क्राइब है, तो वो स्टेटमेंट अगर नहीं फर्निश किया जाता ड्यू डेट से पहले, तो सेक्शन 11 का बेनिफिट या 12 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो रिटर्न ऑफ इनकम जो है
वो भी अगर फर्निश नहीं किया कि रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नॉट फर्निश्ड बाय सच पर्सन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट व्हिच इज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। यानी जहां पर अगर वो स्टेटमेंट नहीं भरा जाता समय से या फिर रिटर्न समय से नहीं भरी जाती जो समय 139(1) में प्रिस्क्राइब्ड है तो फिर सेक्शन 11 या 12 के बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 1 पे एंड इट सेज दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 11 12 12 ए एंड दिस सेक्शन 11 12 12 ए सेक्शंस के पर्पस से और इस सेक्शन के पर्पस से ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है। ट्रस्ट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है। ट्रस्ट इंक्लूड्स एनी लीगल एनी अदर लीगल ऑब्लिगेशन। कोई दूसरा लीगल ऑब्लिगेशन भी शामिल है इसमें जो कि अगर इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत अगर ट्रस्ट नहीं भी बनाया तो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जो ट्रस्ट के तरह का लीगल ऑब्लिगेशन जो दो व्यक्तियों के बीच में या कई व्यक्तियों के बीच में एक ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश कर रहा है और वो ऑब्लिगेशन एक लीगल ऑब्लिगेशन जो लॉ के द्वारा पहचाने जाने वाला ऑब्लिगेशन जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लीगल ऑब्लिगेशन पहचाना जाता है। तो ट्रस्ट में इंक्लूड होगा कोई भी और लीगल ऑब्लिगेशन एंड इस सेक्शन के पर्पज से ट्रस्ट की परिभाषा को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया गया है कि ट्रस्ट अगर रजिस्टर नहीं भी है तो भी कोई भी अगर लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन में ये नहीं आता है कि अगर कोई ट्रस्ट ना हो या कोई बॉडी में रजिस्टर्ड भी नहीं है या कोई लोगों के बीच कोई रिटर्न आर्ग्यूमेंट कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है कोई ड्यूटी भी नहीं है किसी की भी किस तरह से काम करेगा तो वो फिर इस 11-12 का बेनिफिट नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कोई रिटर्न एग्रीमेंट है या कोई ओरल एग्रीमेंट भी है लेकिन दो तीन लोगों के बीच में और वो आपस में सब लोग जानते हैं कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है एंड देयर इज सम प्रूफ दैट दिस लीगल ऑब्लिगेशन इज एग्जिस्टिंग तो वो संभव हो सकता है। हाँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिव इसको मैं रिलेटिव वर्ड को भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमने टू सेक्शन में देखा था रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर मदर फादर एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट तो यहाँ पर इस परिभाषा को और थोड़ा सा विस्तृत किया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति ऐसे रिलेटिव बन के ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को ना दे जाए। स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस रिलेटिव डेफिनेशन यहाँ पर सेक्शन 2 से नहीं दी आ गई। यहाँ पे सेक्शन 11, 12 और 12A के पर्पस से रिलेटिव को डिफाइन किया गया है सेपरेटली। जहाँ सेपरेटली एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई है वहां पर जनरल डेफिनेशन जो डेफिनेशन क्लॉज में है वो अप्लाई नहीं करेगी। एनी लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड एनी लीनियल डिसेंडेंट और असेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल एंड एनी स्पाउस ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 2 यानी ब्रदर सिस्टर का स्पाउस या ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस जो है उनका स्पाउस या फिर लीनियल डिसेंडेंट के स्पाउस और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस के स्पाउस। उसके बाद कोई भी लीनियल डिसेंडेंट उस लाइन में जो आ रहा है फादर फादर के फादर या मदर मदर के मदर मदर के फादर या नीचे भी जा सकता है डिसेंडेंट मतलब बेटा बेटे का बेटा बेटे या बेटे का बेटी या बेटी बेटी का बेटा लाइक सो कोई भी अब एक्सप्रेशन 2 में कहा गया है कि कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जिसको कि शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल ट्राइब्स या वेमेन के और चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए क्रिएट या एस्टैब्लिश किया गया है उसमें यह नहीं मान लिया जाएगा कि वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो था वो किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए बनाया गया था जैसा कि 1B में लिखा हुआ क्योंकि ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ये किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं है और किसी एक कास्ट के लिए भी नहीं
अगर सभी शेड्यूल कास्ट के लिए है, या सभी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या सभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल कंसर्न, तो सब्सटेंशियल कंसर्न इस व्यक्ति की मानी जाएगी सब सेक्शन 3 के पर्पस से। इन अ केस वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी एंड इट्स इफ इट शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, अगर वो कंसर्न कंपनी है तो ऐसे शेयर जिनके पास 20% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है प्रीवियस ईयर के कभी भी दौरान, और वो शेयर्स उस पर्सन के द्वारा बेनिफिशियली ओन किए जा रहे थे या पार्टली उसके द्वारा ओन किए जा रहे थे, पार्टली किसी और पर्सन के द्वारा भी जो सबसेक्शन 3 पे मेंशन है उनके द्वारा भी अगर ओन किए जा रहे थे मिला, यदि सबसेक्शन 3 के सारे लोग मिलके भी अगर 20% के दावेदार हैं उस शेयर्स के, तो भी ये मान लिया जाएगा कि उस एक व्यक्ति का भी सब्सटेंशियल कंसर्न उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में है, भले ही सब लोगों का मिला के 20%। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर कंपनी के अलावा कोई और कंसर्न है या कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उस जो व्यक्ति एंटाइटल्ड है इन द एग्रीगेट प्रीवियस ईयर के दौरान उस कंसर्न के प्रॉफिट्स का वो 20% या उससे ऊपर ले पाए, तो भी ये माना जाएगा कि वो इसमें वुड बी डीम्ड टू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंसर्न। नाउ वी कम टू स्मॉल सेक्शन 13A, इट इज अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एनी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज चार्जेबल under the head income from house property or other sources or capital gains, इसमें business and profession नहीं है, यानी कि business and profession वाली income के लिए कोई benefit नहीं है, या salary income के लिए भी कोई benefit नहीं, salary होगी भी नहीं। कोई भी political party की ऐसी income जो कि house property या other sources या capital gains में शामिल है, या कोई भी income जो कि voluntary contribution के माध्यम से किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रिसीव किया रही है, और ये इनकम किसी ऐसे पर्सन से रिसीव किया रही है, किसी भी पर्सन से रिसीव किया रही है, तो वो उसकी टोटल इनकम में पॉलिटिकल पार्टी के शामिल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन्स वाली जो इनकम, या कोई भी वो जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन उनके पास आते हैं यानी स्वयं जो योगदान आते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। Provided that the such political party keeps and maintains such books of accounts, बशर्ते वो जो political party है वो ऐसे books of accounts रखे और ऐसे documents रखे जिससे कि assessing officer उससे उनकी income को deduce कर सके, उससे निकाल सके कि इनकी income कितनी। And in respect of, और दूसरा condition ये कि in respect of each such voluntary contribution, प्रत्येक voluntary contribution के respect में other than the contribution by way of electoral bond, सिवाय उस contribution के जो electoral bond के रूप में आ रहा है, उसके अलावा हर voluntary contribution जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का है, in excess of 20,000 rupees, such political party keeps and maintains a record of such contribution, ऐसे हर केस में ऐसी political party ऐसे contribution का एक record रखेगी, and the name and address of the person, और उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस रखेगी हु हैज मेड सच कॉन्ट्रीब्यूशन, उसने ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो जिसको कि वर्णन सेक्शन 282 के एक्सप्लेनेशन में है, कोई भी अकाउंटेंट यानी वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह मेंशन है, तो उसके द्वारा किया जाएगा। एंड इसके अलावा अगली कंडीशन ये है कि नो डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 रुपीज रिसीव बाय सच पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज देन बाय एन अकाउंटिंग चेक, कोई भी डोनेशन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अकाउंट पे चेक के अलावा या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के अलावा या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा जो कि बैंक अकाउंट के थ्रू होता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा नहीं रिसीव किया जाएगा, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा कोई भी
नहीं रिसीव किया जाएगा, यानी 2000 तक का डोनेशन कैश में रिसीव किया जा सकता है और उसके बियॉन्ड नहीं किया जाएगा। और जो 20,000 रुपये तक के जो से ज़्यादा के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो उनके लिए वो पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी एक रिकॉर्ड रखेगी ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन का और उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस भी मेंटेन करेगी कि जिसने वो कॉन्ट्रीब्यूशन किया था 20,000 रुपये से ज़्यादा का, सिवाय इलेक्ट्रोल बॉन्ड के। जबकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए नाम और एड्रेस वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब है कि RBI एक्ट के तहत सेक्शन 31 में जो थ्री सबसेक्शन के एक्सप्लेनेशन में बॉन्ड मेंशन और उसके बाद फर्दर द ट्रेजरर ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन दिस बिहाफ फेल्स टू सबमिट द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक रिपोर्ट देना जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अगर वो रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो नो एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी अवेलेबल फॉर दैट पॉलिटिकल पार्टी। उस रिपोर्ट में वो सब डिटेल्स मेंशन करने होते हैं जो फाइनेंशियल डिटेल्स है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सच ए पॉलिटिकल पार्टी फर्निशेज अ रिटर्न ऑफ इनकम, और ये भी शर्त है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है 139(4)(b) में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरेगी ड्यू डेट से पहले। और पॉलिटिकल पार्टी शब्द का जो मीनिंग है वो लिया जा रहा है 29A सेक्शन से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल पीपल्स एक्ट के तहत। उसके बाद एक बहुत छोटा प्रावधान है जो 13B उसको कहते हैं, कोई भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा रिसीव किया है, इलेक्टोरल ट्रस्ट डिफाइन किया गया था, इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है वो उसके टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा। क्योंकि जो ऐसा अगर वो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो पार्टी रजिस्टर्ड है 29A में RP एक्ट के तहत, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 90% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन विच आर रिसीव बाय इट ड्यूरिंग द सेट प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द सरप्लस। उसके अलावा जो उसमें सरप्लस मिला है इंटरेस्ट या जो भी बढ़त हुई या जो ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस है पिछले सालों का उसका भी 95% जो है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तभी वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होगा उस इलेक्टोरल ट्रस्ट के। और उसके बाद सच इलेक्टोरल ट्रस्ट फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है जिसके तहत वो इलेक्टोरल ट्रस्ट कार्य करेगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।